तो बच्चों, 12th क्लास की केमिस्ट्री का दूसरा लेसन चल रहा है विलयन, जो अलग अलग एपिसोड्स में पूरा हो रहा है। जिन बच्चों को पूरा लेसन पढ़ना है वो एपिसोड नंबर 1 से पूरा लेसन देखें। आज का एपिसोड है एपिसोड नंबर 8, जिसमें हम सांद्रता का अगला प्रकार पढ़ रहे हैं, जो है नॉर्मलता। नॉर्मलता क्या होती है बच्चों, परिभाषा से मैं शुरू कर रहा हूं। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, आगे कई लेसन में काम में आएगा, इसलिए इसको सीख लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। चेक करें क्या है। यहां पर मैं पहले परिभाषा बनाना चाह रहा हूं। मैंने क्या करना है, ये एक विलयन बनाना है, ठीक है, विलयन बनाना है। कितना विलयन बनाना है, 1 लीटर विलयन बनाना है। 1 लीटर बच्चों क्या बनाना है, विलयन। तो मैं इसके अंदर क्या बोलूंगा, विलय बोलूंगा। मतलब विलय और विलायक दोनों मिलाकर के कितना आयतन होना चाहिए, 1 लीटर। लेकिन विलय के क्या बोलूंगा, गुले हुए, 1 लीटर विलयन में विलय के गुले होंगे, गुले हुए विलय के ग्राम तुल्यांक, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या बोलूंगा बच्चों, विलय के ग्राम तुल्यांक, विलय के ग्राम तुल्यांक। तो जितने ग्राम तुल्यांक मैं इसके अंदर बोलूंगा ना, वही उसकी नॉर्मलता कहलाएगी। और क्योंकि यहां पर 1 लीटर विलयन काम में लिया जा रहा है, लीटर क्या होता है, आयतन, आयतन आ गया, तो आपको ताप क्या करना पड़ेगा बच्चों, निश्चित, क्योंकि आयतन ताप से बदलता है, इसलिए ताप को हमारे को निश्चित करना पड़ेगा। कि 1 लीटर विलयन में गुले हुए विलय के जो ग्राम तुल्यांक होंगे ना, वो निश्चित ताप पर नॉर्मलता कहलाएगी, ठीक है बच्चों। नॉर्मलता की क्या परिभाषा हुई, कि यहां पर क्या होना चाहिए, विलयन होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 1 लीटर, और इसमें गुले होंगे विलय, क्या विलय के क्या ग्राम तुल्यांक। तो 1 लीटर विलयन में गुले हुए विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या निश्चित ताप पर नॉर्मलता कहलाती है। तो आपके पास नॉर्मलता की परिभाषा हो गई। आप क्या कहोगे कि 1 लीटर विलयन में गुले हुए विलय विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है। तो ये आपके पास बच्चों नॉर्मलता की हो गई परिभाषा, जिसमें आपने कुछ विशेष नहीं किया, लेकिन ध्यान रहे कि इसमें आपको क्या लिखना होगा, एक निश्चित ताप पर, ये शब्द और जोड़ना होगा, निश्चित ताप पर, क्योंकि आयतन पद प्रयुक्त हो रहा है। तो ये नॉर्मलता की परिभाषा हुई बच्चों। अब अपने को नॉर्मलता का निकालना है सूत्र। ये दोबारा याद कर लें कि 1 लीटर क्या होना चाहिए, विलयन होना चाहिए, उसमें घुले हुए क्या होंगे, विलय के ग्राम तुल्यांक, ताप क्या होगा, निश्चित, उसे हम क्या कहेंगे, नॉर्मलता। तो ये हमारे पास नॉर्मलता की परिभाषा होगी, 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या निश्चित ताप पर नॉर्मलता कहलाती है। अब नॉर्मलता का सूत्र हमने लिखना है, तो n बराबर हमारे पास क्या होगा, n बराबर हमारे पास हो जाएगा कि घुले हुए विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, यहां पर मैं थोड़ा सा इधर लिख रहा हूं, इधर देखें, n बराबर हो गया मेरे पास, n बराबर विलय के ग्राम तुल्यांक बटा में विलयन का क्या होता है बच्चों, विलयन का आयतन, ठीक है। तो ये जो है एक हमारे पास सूत्र हो गया कि 1 लीटर, ये आयतन किसमें होना चाहिए, लीटर में, तो 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। तो ये एक परिभाषा हो गई, अब एक सूत्र हो गया हमारे पास। अब आप देखिए बच्चों कि आप जब से मैंने ये परिभाषा बताई, आपके मन में बना हुआ है कि ये ग्राम तुल्यांक क्या होते हैं। तो ग्राम तुल्यांक बराबर होते हैं, चूंकि ग्राम तुल्यांक बराबर होते हैं, ग्राम तुल्यांक बराबर क्या होता है, ग्रामों में मात्रा, ग्रामों में मात्रा बटा में तुल्यांकी भार, ग्रामों में मात्रा बटा में तुल्यांकी भार को हम ग्राम तुल्यांक कहते हैं। अब ग्रामों में मात्रा को, विलय की ग्रामों में मात्रा को अपने किससे प्रदर्शित कर सकते हैं, WB से, और तुल्यांकी भार को किससे प्रदर्शित कर सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट से,
ईडब्ल्यू का मतलब होता है प्लैंक की बार को इंग्लिश में कहते हैं इक्विवेलेंट वेट, तो मैंने इसको क्या लिख दिया ईडब्ल्यू। अब क्या करेंगे, अपने इस मान को इस नॉर्मलता वाले सूत्र में रख देंगे, ग्राम तुल्यांक की जगह रख देंगे, तो अब अपने पास नॉर्मलता बराबर क्या हो जाएगी, नॉर्मलता बराबर हो जाएगी अपने पास कि विलय की ग्रामों में मात्रा, विलय की ग्रामों में मात्रा बटा में विलय का क्या होगा बच्चों, तुल्यांकी भार, कौन सा भार, तुल्यांकी भार इनटू में विलयन का क्या हो गया, विलयन का आयतन किस में लिया, लीटर में। तो ये हमारे पास कंप्लीट फॉर्मूला हो गया। अगर मैं विलय की ग्राम तुल्यांक रखूं तो ग्राम तुल्यांक बराबर होता है ग्रामों में मात्रा बटा में तुल्यांकी भार। यहां पर मैंने रख दिया विलय की ग्रामों में मात्रा बटा में तुल्यांकी भार, इस पूरे की जगह मैंने ये रख दिया, और आयतन विलयन का आयतन तो ये था ही, तो ये मैंने रख दिया। अब आओ बच्चों आगे आप कि इसको मैं साफ कर रहा हूं, इधर देखें कि अब आपके पास बात बन गई, एक चीज आ गई कि ये तुल्यांकी भार आ चुका है, ये तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, तुल्यांकी भार बराबर होता है, यहां पर देखें कि हमारे पास आ गया तुल्यांकी भार, तो तुल्यांकी भार क्या होता है, तुल्यांकी भार बराबर होता है, तुल्यांकी भार बराबर होता है अणु भार बटा में एन फैक्टर, अणु भार बटा में एन फैक्टर। ये एन फैक्टर क्या होता है इसकी बात हम करेंगे, लेकिन आपको ये पता लग गया कि ये क्या होता है, तुल्यांकी भार बटा में बराबर अणु भार बटा में एन फैक्टर। तो अब अपने पास अगर मैं इस सूत्र को यहां पर रखना चाहूं तुल्यांकी भार की जगह, तो अब अपने पास ये क्या हो गया, ये हो गया नॉर्मलता बराबर ग्रामों में मात्रा, किसकी ग्रामों में मात्रा, विलय की ग्रामों में मात्रा बटा में विलय का, ये था विलय की ग्रामों में मात्रा बटा में विलय का अणुभार इंटू विलयन का आयतन किसमें लिया गया है, लीटर में। ठीक है, अब आपके पास यहां पर तुल्यांकी भार की जगह आपने लिखा है, ये तुल्यांकी भार की जगह आप अणुभार बटा में एन फैक्टर लिखोगे, तो यहां पर ये क्या आ जाएगा, एन फैक्टर। ठीक है बच्चों, तो तुल्यांकी भार की जगह, ये तुल्यांकी भार की जगह हमने लिख दिया अणुभार बटा में एन फैक्टर, ये एन फैक्टर बटा में है ऊपर चला जाएगा, तो अपने पास यहां पर आ जाएगा नॉर्मलता बराबर। अब एक चीज आप देखें, विलय की ग्रामों में मात्रा बटा में विलय का अणुभार इंटू विलयन का आयतन लीटर में, ये क्या होता है, इतना क्या होता है, आपको मोलरता का सूत्र याद है, मोलरता का सूत्र यही था कि विलय की ग्रामों में मात्रा बटा में विलय का अणुभार इंटू विलयन का आयतन, तो इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, मोलरता, क्या लिख सकता हूं बच्चों, मोलरता, और ये एन फैक्टर कहां चला जाएगा, ऊपर, तो ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एन फैक्टर। तो इस तरीके से नॉर्मलता और मोलरता में ये संबंध भी आ जाएगा, नॉर्मलता बराबर होती है मोलरता इनटू एन फैक्टर। अभी एन फैक्टर क्या होता है इसके बारे में अभी हमने बात नहीं की, तो इतने हमने इसके सूत्र लिखे हैं, और भी सूत्र लिखने हैं अभी, लेकिन क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई, नॉर्मलता बराबर विलय की ग्राम तुल्यांक बटा में विलयन का आयतन लीटर में। ग्राम तुल्यांक क्या होता है, ग्राम तुल्यांक होता है ग्रामों में मात्रा बटा में तुल्यांकी भार, ग्रामों में मात्रा बटा में तुल्यांकी भार, ये यहां पर हमने रख दिया। अब तुल्यांकी भार क्या होता है, तुल्यांकी भार बराबर होता है अणु भार बटा में एन फैक्टर। अब ये मान यहां पर रखा तो अणु भार बटा में एन फैक्टर, अब रख दें तो ये एन फैक्टर बटा में आया तो ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर आकर के यहां पे गुणा में जाएगा, तो गुणा में आ गया एन फैक्टर। ये पूरा क्या बन रहा है, विलय की ग्राम मात्रा बटा में अणु भार इंटू में आयतन, ये क्या बन रहा है, मोलरता, तो नॉर्मलता बराबर होगी मोलरता इंटू एन फैक्टर। तो ये हमने इतने सारे सूत्र लिखे, जिसके अंदर ये वाला सूत्र जो है ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूत्र भी हो गया कि नॉर्मलता और मोलरता में संबंध भी हो गया कि नॉर्मलता ज्ञात करनी हो, मोलरता दी गई हो तो एन फैक्टर से गुणा कर दो, नॉर्मलता आपके पास आ जाएगी। चलो ये आपने एक बात सीखी बच्चों। चलो अब देखो कि मैं एन फैक्टर की बात करूंगा, लेकिन आप इसकी इकाई देखो क्या बनेगी, इकाई मात्रक क्या बना, मात्रक तो यही बना ना, ग्राम तुल्यांक बटा में आयतन किसमें है, लीटर में, तो इसकी इकाई बराबर होगी ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। इसकी इकाई क्या बनगी बच्चों, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। नॉर्मलता की इकाई एन तो होगी,
एन के अलावा क्या है? ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। देखो ये ग्राम तुल्यांक बटा में लीटर, तो ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर तो ये इकाई होगी और एन तो इकाई है ही। तो ये इतने सारे हमने सूत्र पढ़े। अब बात आती है बच्चों कि मैं एन फैक्टर की बात सबसे लास्ट में करूंगा, लेकिन इससे पहले और बातें अपने कर लेते हैं। एक चीज और देखो आप कि अगर मैं ये दो सूत्र की बात करूं, जैसे विलय की ग्रामों में मात्रा, यहां पर विलय की ग्रामों में मात्रा बटा में विलय का तुल्यांक की बार बराबर एन, ये था। अभी हमारे पास नॉर्मलता और मूलता में संबंध का ये एक सूत्र आया है। एक और सूत्र मैं विस्तृत करता हूं। कैसे विस्तृत करता हूं? इधर देखना बच्चों कि अगर मैं ये तुल्यांक की बार इधर ले आऊं, नॉर्मलता इनटू तुल्यांक की बार करता हूं, तो ये क्या बच जाएगा? ग्रामों में मात्रा बटा में आयतन। तो मैं ये कर लेता हूं, मैंने क्या किया कि नॉर्मलता इनटू तुल्यांक की भार बराबर ये आ गया ग्रामों में मात्रा, ग्रामों में विलय की ग्रामों में मात्रा बटा में विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। ये बात होगी, ठीक है। और एक मैं मोलरता का सूत्र लिखता हूं। मोलरता का सूत्र मेरे पास क्या था, मैं एक बार इसको साफ करता हूं। मोलरता का सूत्र मेरे पास क्या था, ये देखो। मोलरता बराबर होती थी, मोलरता बराबर विलय की ग्रामों में मात्रा, विलय की ग्रामों में मात्रा बटा में विलय का अणुभार इंटू में विलयन का आयतन। किस में लेते थे? लीटर में, ठीक है। ये आपके पास बात आई। अगर मैं इस अणुभार को मोलरता से गुणा कर लूं तो अब ये सूत्र क्या बन जाएगा कि m इंटू विलय का अणुभार बराबर क्या हो गया, ग्रामों में मात्रा बटा में विलयन का आयतन हो जाएगा। यह हो जाएगा ग्रामों में विलय की ग्रामों में मात्रा, मात्रा बटा में विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, ठीक है। तो अब आप ये देखो कि ये ग्रामों में मात्रा, ग्रामों में मात्रा बटा में विलयन का आयतन बराबर है नॉर्मलता इंटू तुल्यांक की भार। यहां पर विलय की ग्रामों में मात्रा बटा में विलयन का आयतन बराबर है मोलरता इंटू अणुभार। तो इसका मतलब ये चीज इसके बराबर है और ये चीज इसके बराबर है, और ये दोनों क्या है, एक ही तो बात है, ग्रामों में मात्रा बटा में आयतन, ग्रामों में मात्रा बटा में आयतन। तो अगर ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो ये और ये भी दोनों बराबर होंगे, तो आपके पास सूत्र आ जाएगा एन बराबर तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार एन इंटू तुल्यांकी भार बराबर एम इंटू अणुभार, एम इंटू अणुभार। ये बहुत ही जरूरी प्रश्न। एक आपके पास और फॉर्मूला आ गया है नॉर्मलता और मोलरता में आपस में संबंध का, कैसे निकाला, आपको बढ़िया लगना चाहिए, चीजें बहुत अच्छी आई हैं। क्या नॉर्मलता बराबर थी विलय की ग्रामों मात्रा बटा में विलय का तुल्यांक की भार इंटू विलयन का आयतन, तिरछा गुणा कर दिया तो नॉर्मलता इंटू तुल्यांक की भार हो गया, ये ग्रामों में मात्रा बटा में आयतन बच गया, ठीक है। इसी तरीके से मैंने मोलरता में किया, मोलरता में अणुभार को इधर गुणा कर दिया तो ये भी क्या बचा, ग्रामों में मात्रा बटा में आयतन, ये भी ग्रामों में मात्रा बटा में आयतन, ये भी ग्रामों में मात्रा बटा में आयतन। दोनों बराबर किसके हैं, एन इंटू तुल्यांक की भार के, और ये किसके हैं, एम इंटू अणुभार के। तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर हुए, क्योंकि ये दोनों समान आगे ना, ये दोनों समान आगे तो ये दोनों भी आपस में क्या हो गए, बराबर। आप चाहे तो इसमें इस समीकरण में इस समीकरण का भाग दे लोगे तो ये पूरा कट जाएगा और ये दोनों आपस में बराबर आ जाएंगे। चाहे तो आपको सीधा समझ में आता तो सीधा, ठीक है, कि ये और ये दोनों बराबर है तो ये वाले दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये नॉर्मलता इंटू तुल्यांक की भार बराबर होता है मोलरता इंटू अणुभार। अगर किसी को ये नहीं समझ में आया, कोई कहता सर मेरे को तो ये नहीं समझ में आया, तो कोई बात नहीं, दफा होने दो, आप सीधा याद रख लो कि नॉर्मलता इंटू तुल्यांक की भार, नॉर्मलता में तुल्यांक की भार काम में आता है तो एन इंटू तुल्यांक की भार, मोलरता में अणुभार काम में आता है तो एम इंटू अणुभार, ठीक है। और ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर। ये सीधा फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हो, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये बात भी आपके पास, ये फॉर्मूला भी काम में आएगा आपको। चलो अब देखो नेक्स्ट जो है, आप एक और चीज समझेंगे, ये वाला फॉर्मूला आपने याद रखना है। चलो इसके बाद नेक्स्ट मैं बात करता हूं, इधर देखें। अब मैं ये स्टार डाल करके फिर एक बात कर रहा हूं, अभी मैं सारे फॉर्मूले दोबारा लिखूंगा, ठीक है। आप पहले एक बार समझ लें क्या लिखा मैंने। यहां पर आपके पास बात ये है कि अगर आपके पास एक आयतन, एक विलयन पड़ा है, ठीक है, इसकी नॉर्मलता है एन वन, आयतन है वी वन, इसमें यदि आप पानी मिला दो, प्लस क्या कर दो, पानी मिला दो,
तो अब ये आयतन दूसरा हो गया, ये विलयन नंबर एक था, ये विलयन नंबर दो बन गया। इसमें हमने क्या मिलाया है? पानी मिलाया है, ध्यान रखना, दूसरा विलयन नहीं मिलाया है। तो अब इसकी नॉर्मलता बदल जाएगी, नॉर्मलता कितनी हो जाएगी? एन टू आयतन कितना हो जाएगा? वी टू, ठीक है। और इस एन वन वी वन और एन टू वी टू में आपस में संबंध क्या होगा? एन वन वी वन बराबर होगा एन टू वी टू। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई बात? ठीक है, ये एक सूत्र कब, ये सूत्र न्यूमेरिकल करने में कब काम में आएगा? जब पहले विलयन में हम पानी मिला करके उसका आयतन बढ़ा दिया करेंगे, तब जो है ये वाला फॉर्मूला काम में आया करेगा। ये आपको दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, कहेगा नए विलयन की नॉर्मलता कितनी होगी, तो इस विलयन की नॉर्मलता कितनी होगी, ये वी टू को बटा ले में ले आओगे, एन वन वी वन बटा में वी टू कर दोगे तो एन टू का मान आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अलग अलग जो है इस फॉर्मूले पर कई तरीके के प्रश्न जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। इन चारों में से तीन आपको बताऊंगे, एक आपको ज्ञात करना होगा, तो ये मैथ इतनी कमी आती है, हम कर लेंगे। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई बात? ठीक है, अब मैं एक और स्टार लगा रहा हूं और बहुत जरूरी बात बता रहा हूं नॉर्मलता से संबंधित। क्या है कि ये मेरे पास एक विलयन पड़ा था, ये ना, दूसरी बात बता रहा हूं, ये विलयन नंबर है एक और इसके मेरे पास नॉर्मलता है एन वन और आयतन है वी वन। इसके अंदर मैं दूसरा एक विलयन मिला रहा हूं, पानी नहीं मिला रहा बच्चों, गौर करना, पानी नहीं मिला रहा, क्या मिला रहा हूं, दूसरा विलयन मिला रहा हूं जिसका आयतन है, नॉर्मलता है एन टू और आयतन है वी टू। पहले का आयतन एन वन वी वन, दूसरे का नॉर्मलता एन टू वी टू, दोनों को मिलाकर के नया विलयन बना लिया, दोनों को मिलाकर के नया विलयन बना लिया। अगर इसकी नॉर्मलता हमें ज्ञात करनी हो, इसकी नॉर्मलता ज्ञात करनी है तो क्या सूत्र काम में आएगा? गौर करो बच्चों, इसका सूत्र मैं बता रहा हूं, इसका सूत्र होता है एन वन एन बराबर एन वन वी वन प्लस एन टू वी टू बटा में वी वन प्लस वी टू, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर दो विलयन आपस में मिलाकर के तीसरा विलयन बनाया जाएगा तो उसकी नॉर्मलता क्या होगी? एन वन वी वन प्लस एन टू वी टू बटा में वी वन प्लस वी टू से नॉर्मलता आ जाएगी। लेकिन अगर पहले वाले विलयन में पानी मिलाकर के नया विलयन बढ़ा लिया गया है तो इनका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एन वन वी वन बराबर एन टू वी टू। आपको मैंने ये पूरी कहानी क्यों समझाई है? ताकि आपको जब आपको न्यूमेरिकल लिखा हुआ होगा तो आप समझ जाओगे कि मुझे ये सूत्र काम में लेना है या ये सूत्र काम में लेना है। ठीक है बच्चों, तो ये दो बातें और हो चुकी है। तो इस तरीके से नॉर्मलता की बात जो है लगभग कंप्लीट हो गई है। एक चीज मैं नॉर्मलता की और बताता हूं, फिर मैं सारे सूत्र लिखता हूं। इधर गौर करें कि अगर आपको इससे कहानी एक हमें क्लियर हो चुकी है क्या, कि यदि इस पर हम ताप का प्रभाव पड़े, ताप का प्रभाव, ठीक है, ताप का प्रभाव क्या हो जाएगा बच्चों? कि इसका सूत्र क्या है? नॉर्मलता बराबर ग्रामों में मात्रा बटा में तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट, चाहे तो ई डब्ल्यू लिख लो, इक्विवेलेंट वेट इनटू आयतन लीटर में, ये सूत्र है। अब इसमें आयतन पद काम में आ रहा है, तो आयतन पद काम में आ रहा है तो ताप का प्रभाव इस पर पड़ेगा। ठीक है, तो नॉर्मलता जो है वो ताप से प्रभावित होती है, और कैसे प्रभावित होती है? ताप बढ़ाओगे तो आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा तो नॉर्मलता घटेगी, नॉर्मलता क्या होगी बच्चों? घटेगी। तो ताप बढ़ाओगे तो नॉर्मलता घटेगी, क्योंकि ताप बढ़ाने से आयतन क्या होता है? बढ़ता है। ये सामान्य है, ये एक बात आप लिख सकते हो। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि नॉर्मलता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप कहोगे नॉर्मलता ताप से प्रभावित होती है, ताप बढ़ाने से आयतन बढ़ता है, आयतन बढ़ने से नॉर्मलता घटती है, क्योंकि आयतन और नॉर्मलता दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बात भी हो गई। अगर मैं इस पूरे टॉपिक की बात करूं तो इस पूरे टॉपिक में आपके पास कितने सूत्र काम में आए जो आपके लिए महत्वपूर्ण थे? सूत्र सूत्र मैं लिख रहा हूं, ठीक है। परिभाषा तो क्या थी? एक लीटर विलयन में घुले हुए विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या निश्चित ताप पर नॉर्मलता कहलाती है। तो अब नॉर्मलता के सूत्र बराबर, नॉर्मलता बराबर क्या था? विलय के ग्राम तुल्यांक बटा में विलयन का आयतन, विलयन का आयतन किस में लिखा था बच्चों? लीटर में। ठीक है, अब ग्राम तुल्यांक बराबर क्या थे? विलय की ग्रामों में मात्रा डब्ल्यू बी बटा में विलय का तुल्यांकी भार
इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट इनटू विलयन का आयतन, किसमें, लीटर में, अगर मिलीलीटर में है तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1000, ठीक है। फिर आपके पास क्या बन गया था, नॉर्मलता का सूत्र और क्या आ गया था, नॉर्मलता बराबर थी डब्ल्यू बी अपॉन में, अगर तुल्यांक की भार की जगह में अणु भार रख देता, ठीक है, विलय का क्या रख देता, अणु भार, मॉलिक्यूलर मास रख देता, एम बी अणु भार रख देता, और वी लीटर में आयतन रख देता, तो अणु भार को तो तुल्यांक की भार में बदलने के लिए एन फैक्टर से भाग देते हैं, और वो एन फैक्टर कहां चला जाता है, इधर आ जाता है एन फैक्टर, ठीक है। तो यहां पर अपने पास आ जाएगा एन फैक्टर, ये भी एक सूत्र हो गया। फिर आपके पास आप देखो कि ये पूरा क्या है, ग्रामों में मात्रा बटा में अणु भार इंटू में आयतन, ये क्या होती है, मोलरता, तो नॉर्मलता बराबर होगी मोलरता इंटू एन फैक्टर, ये लो, ये भी एक प्रश्न, ये भी एक सूत्र हो गया जो कि इंपॉर्टेंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं अपने पास। इसके बाद आपके पास एक स्टार वाला मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि एन वन वी वन बराबर क्या होता है बच्चों, एन टू वी टू, ये प्रैक्टिकल में ये चीजें बड़ी काम में आएगी। नॉर्मलता एक मैं बात बता देता हूं, नॉर्मलता अभी विलयन लेसन में तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये बहुत ज्यादा काम में आएगी, इसलिए आप समझ लें इस बात को, अच्छा कंपटीशन में भी बहुत जरूरी है ये। फिर आपने एक फॉर्मूला ये पढ़ा कि एन वन एन बराबर एन वन वी वन प्लस एन टू वी टू बटा में वी वन प्लस वी टू, एक ये फॉर्मूला लिखा। अभी एक और बहुत जबरदस्त वाला फॉर्मूला लिखा था, कौन से वाला, आपने लिखा था एन इंटू नॉर्मलता में क्या प्रयुक्त होता है, तुल्यांक की बार, तो किससे गुणा करोगे, तुल्यांक की बार से, बराबर मोलरता, मोलरता में क्या प्रयुक्त होता है, अणु भार, तो इंटू अणु भार, तो ये लो, ये वाला भी एक जबरदस्त फॉर्मूला है। ये सारे जो है तीन, ये चार पांच सारे फॉर्मूले जो है बहुत ही जरूरी थे। यहां पे इकाई क्या होगी, ग्राम तुल्यांक बटा में आयतन, तो ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर या एन जो है इसकी इकाई होगी, आयतन पद प्रयुक्त हो रहा है तो ताप से प्रभावित होगा। तो इन शॉर्ट मैंने ये सारा टॉपिक दोबारा रिवाइज करवा दिया। अब बात आती है कि जो एन फैक्टर है वो क्या है, एन फैक्टर बार बार हम एन फैक्टर बोल रहे हैं, एन फैक्टर का मतलब क्या है, ठीक है। देखो एन फैक्टर के अंदर आप समझेंगे, मैं एक बार फटाफट बता रहा हूं क्योंकि ये वैसे आपका 11वीं का टॉपिक है, 11वीं की बात है, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूं। एन फैक्टर क्या होता है, एन फैक्टर अगर तो हमारे पास विलय क्या है, अम्ल, अम्ल के लिए क्या होता है एन फैक्टर, अणु भार बटा में क्षारकता, अम्ल का होता है अणु भार बटा में क्षारकता, और क्षारकता क्या होती है, H प्लस त्यागे गए H प्लस आयनों की संख्या, आयनों की संख्या, कोई अम्ल जितने H प्लस त्याग सकता है वह उसकी क्षारकता कहलाती है। जैसे मान लो HCl कितने H प्लस त्याग रहा है, एक, तो क्षारकता कितनी हुई, एक। H2SO4 में ये कितने H प्लस त्याग सकता है, दो, तो इसकी क्षारकता कितनी होगी, दो, मतलब इसके अणु भार में दो का भाग दोगे तो आपके पास अम्ल के लिए एन फैक्टर आ जाएगा। तो अम्ल का एन फैक्टर ये हो गया बच्चों। फिर दूसरा है अपने पास क्षार के लिए एन फैक्टर, क्षार के लिए एन फैक्टर बराबर होता है अणु भार बटा में अम्लता, अणु भार बटा में अम्लता, अम्लता क्या होती है, ओ त्यागे गए ओ एच आयनों की संख्या, कि जितने ये ओ एच आयन त्याग सकता है वही उसकी अम्लता कहलाएगी। जैसे मान लो एन ए ओ एच के लिए अम्लता कितनी होगी बच्चों, एक ओ एच त्याग सकता है तो कितनी होगी, एक। अगर मैं लिखूं सी ए ओ एच की होल ट्वाइस, तो अब ये कितने त्याग सकता है, दो, तो यहां पे अम्लता कितनी हो जाएगी इसकी, दो। तो एन फैक्टर क्षार के लिए क्या होगा, अणु भार बटा में अम्लता। फिर आपके पास देखो कि अगर आ जाए लवण, क्या आ जाए, लवण, लवण आ जाए तो एन फैक्टर बराबर क्या होगा, कि आपके पास अणु भार बटा में एन फैक्टर क्या हो जाएगा, एन फैक्टर हो जाएगा हमारे पास यहां पर कि अणु भार बटा में यहां पर कुल धनायनों, कुल धनावेशों या ऋणावेशों की संख्या, आप धनावेशों की संख्या याद रखो, ठीक है, कुल धनावेशों की संख्या या कुल ऋणावेशों की संख्या भी हो सकती है, कि n बराबर क्या आ जाएगा, अणु भार बटा में कुल धनावेशों की संख्या, मतलब n फैक्टर नहीं, ये तो तुल्यांक की भार ज्ञात कर रहे हैं अपने, इनका तुल्यांक की भार, यहां पे n फैक्टर क्या हो गया, कुल धनावेशों की संख्या, यहां पे n फैक्टर क्या हो गया, ये तो तुल्यांक की भार है, ये n फैक्टर क्या हो गया, क्षारकता, यहां पर n फैक्टर क्या हो गया, अम्लता, ठीक है। और इसी तरीके से अगर कोई ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक, आप अगर 11th थोड़ा सा अच्छे से पढ़े हो तो ऑक्सीकारक आपको याद आ जाना चाहिए, कि ऑक्सीकारक क्या होता है, कि जिसका अपचयन होता है,
अपचयन ऑक्सीकारक वो होता है जिसका अपचयन होता है, और अपचयन कौन होता है बच्चों, जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। तो इसका ऑक्सीकारक का तुल्यांक की भार बराबर हो जाएगा अणु भार बटा में, अणु भार बटा में ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये अपने पास, इसका मतलब ऑक्सीकारक का एन फैक्टर क्या हो गया, ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर मैं बात करूं अपचायक का तुल्यांक की भार, अपचायक का तुल्यांक की भार, तो इसके लिए सूत्र हो जाएगा अपचायक का अणु भार बटा में, अपचायक कौन होता है जिसका ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, तो इसका मतलब है कि इसमें हो जाएगा त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ये हो जाएंगे इसके अंदर एन फैक्टर। अम्ल का एन फैक्टर क्या होता है, क्षारकता, त्यागे गए एच प्लस आयनों की संख्या। क्षार का एन फैक्टर क्या होता है, अम्लता, त्यागे गए OH आयनों की संख्या। लवण का एन फैक्टर क्या होता है, कुल धनावेशों या कुल ऋणावेशों की संख्या, मतलब ऋणायनों की संख्या, जो ऋणावेश होंगे उनकी। और ऑक्सीकारक में ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अपचायक में त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये मैंने आपको रिवाइज किया है, ये आपको अगर मान लो पहली बार अगर ये देख रहे हो तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा, तो आपको घबराने की जरूरत भी नहीं है। जैसे जैसे मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा वैसे वैसे आपको अपने आप पता लगता जाएगा, ठीक है। और अगर मान लो किसी को ये नहीं समझ में आया तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, मैं जब 11th का ये पार्ट करवाऊंगा तो बहुत डिटेल में करवाऊंगा, आप आधे घंटे की वीडियो 11th वाली देख लेंगे। तो ये बात हुई बच्चों एन फैक्टर की, एन फैक्टर क्या होते हैं। अब मैं फटाफट जो है कि एक दो न्यूमेरिकल आपको करवाता हूं और फिर इस टॉपिक को करवा करते हैं हम एंड। देखें मैं कुछ न्यूमेरिकल करवाता हूं आपको, क्या है कि न्यूमेरिकल नंबर एक, आपके पास एक सामान्य न्यूमेरिकल ये कह रहा है कि H2SO4 का एक मोलर विलयन बराबर है, किसके बराबर है, ऑप्शन दे रखे हैं आपको, N के बराबर है, बी N बटा में 2 के बराबर है, सी 2N के बराबर है, 2N के बराबर है, डी 4N के बराबर है। ये आपके पास क्वेश्चन आया कि H2SO4 का एक मोलर विलयन, मतलब एक मोलर का मतलब क्या है, मोलर किसकी इकाई होती है, मोलरता की, ठीक है। तो आपके पास नॉर्मलता, ये सारे N N मतलब नॉर्मलता दे रखी है, तो मोलरता और नॉर्मलता वाला फॉर्मूला लगाना है कि नॉर्मलता बराबर होता है मोलरता इनटू में एन फैक्टर। आपके पास क्या है बच्चों, ये H2SO4 क्या होता है, अम्ल, अम्ल ये कितने H प्लस त्याग सकता है, 2, तो N फैक्टर का मान कितना हो गया, 2। आपके पास नॉर्मलता बराबर होगी, मोलरता का मान तो दे रखा है 1, N फैक्टर हो गया 2, तो N बराबर हो गया 2, इकाई क्या होती है N, तो इसका मतलब आंसर हो गया सी। ये एक फटाक से मतलब चुटकी में होने वाला क्वेश्चन था। इसके बाद एक और क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं जो कंपटीशन में आया हुआ है, इधर देखें क्या है कि ये एक JCECE 2010 में आया हुआ है, JCECE 2010 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, आप करके बताना मेरे को। कि दूसरा क्वेश्चन है ये कि 0.2N Na2CO3 ये क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट, लवण हो गया, ठीक है। और की मोलरता है, कि मोलरता है, इसकी मोलरता ज्ञात करनी है, और ये नॉर्मलता दे रखी है, ऑप्शन दे रखे हैं 0.1 m, डी ऑप्शन दे रखा है 0 m, सी ऑप्शन दे रखा है 0.4 m, डी ऑप्शन आपको दे रखा है 0.2 m। फटाफट ये करके मुझे बताना कि कितने लोगों का ये क्वेश्चन हो गया था, जैसे इसी 2010 का क्वेश्चन ये हो गया था, ये बताना मेरे को, ठीक है। मैं करवा रहा हूं, आपके पास Na2CO3 को तोड़ो, आप एन फैक्टर निकालो पहले, ये क्या टूटेगा, 2Na+ CO3-2, ठीक है। तो ऐसे ये टूट जाएगा, आप सोडियम कार्बोनेट को ऐसे तोड़ोगे, तो प्लस कितने हो गए, प्लस एक पर एक है तो दो पर कितने प्लस हो गए, 2+, तो इसका मतलब एन फैक्टर 2 हो गया। अगर ऋणावेशों से देखो तो -2 है, तो इसका फैक्टर भी कितना हो गया, 2। अब ये प्लस और माइनस नहीं लगाना, सीधा ही रखना है 2, ये भी 2, ऐसे नहीं लगाना -2 ये +2, ऐसा नहीं, सीधा ही 2, या मतलब 2 फैक्टर है, चाहे तो आप प्लस से निकाल के देख लो चाहे माइनस से निकाल के देख लो, एन फैक्टर आ गया 2, ठीक है। तो अब आपके पास नॉर्मलता और मोलरता में संबंध क्या था, एन फैक्टर, यही था, नॉर्मलता बराबर मोलरता इनटू एन फैक्टर,
तो मोलरता कितनी देर की है आपके पास, सॉरी नॉर्मलता कितनी देर की है, 0.1 बराबर मोलरता, एन फैक्टर 2, मोलरता कितनी आ जाएगी आपके पास, ये 0.2 दे रखी है नॉर्मलता, नॉर्मलता दे रखी है 0.2 बराबर एम इंटू 2, तो आपके पास एम बराबर क्या हो जाएगा 0.2 बटा में 2, आंसर आ जाएगा 0.1, आंसर होगा ए। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। एक और क्वेश्चन मैं आपको करवाना चाह रहा हूं, इधर देखें, ये मैं साफ कर रहा हूं, एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं, लास्ट क्वेश्चन बच्चों, और इसके बाद आपकी क्लास होगी खत्म। आज की क्लास वास्तव में एक जबरदस्त क्लास थी, आप अगर इसको याद ऐसे सीख लिया ना इसको, तो जिंदगी भर याद रखोगे कि वाह हमने वो चीज उस दिन वो क्लास में सीखी थी, पूरी उम्र आपको याद रहेगी, क्योंकि बार बार आने वाली चीजें हैं प्रैक्टिकल में और थ्योरी में, हर जगह ये काम में आने वाली चीजें हैं। क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन है H2SO4 का, H2SO4 का एक लीटर विलयन बनाना है आपने, एक लीटर N/10 विलयन बनाना है, एक लीटर N/10 विलयन बनाने के लिए, बनाने के लिए N/10 विलयन बनाने के लिए कितने ग्राम, कितने ग्राम H2SO4 की आवश्यकता होगी, आवश्यकता होगी। ठीक है, यह क्वेश्चन आपको करना है। अब आप देखें कि आपने क्या करना है, आंसर मैं इसको हल करवा रहा हूं, आप अपने आप कोशिश करके देख लेना, क्या निकालना है आपको कि विलय की ग्रामों में मात्रा निकालनी है, और आपको क्या दे रखी है, नॉर्मलता दे रखी है N/10। ठीक है, तो आप इसको सूत्र लिख लो पहले, एन बराबर क्या होती है, विलय की ग्रामों मात्रा बटा में विलय का तुल्यांकी भार इंटू में विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, आपको क्या निकालना है, इसमें विलय की ग्रामों में मात्रा निकालनी है, कहता है कितने ग्राम H2SO4 की आवश्यकता होगी, तो ये आपको डब्ल्यू भी निकालना है। एन का मान दे रखा है कितना, 1/10 बराबर डब्ल्यू भी आपको निकालना है, आयतन आपको दे रखा है 1 लीटर, तो ये मान दे दिया 1, और विलय का तुल्यांकी भार हमें पता नहीं है, तो H2SO4 का तुल्यांकी भार हम निकालते हैं, H2SO4 का तुल्यांकी भार बराबर अणु भार बटा में एन फैक्टर होता है, अणु भार बटा में अम्ल है तो क्या होगी, एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 6 रहता। अब H2SO4 का अणु भार कितना होता है, हाइड्रोजन का 1 × 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, कितने हैं 4, तो 2 + 32 + 16 = 64, ये जोड़ करोगे आ जाएगा 98, तो इसका मतलब है H2SO4 का अणु भार आ गया आपके पास 98। अब इसका एन फैक्टर कितना है, H2SO4 की क्षारकता कितनी है, कितने H प्लस त्याग सकता है, 2, तो इसको 2 से भाग दिया, कितना आ गया बच्चों, 98 को 2 से भाग दोगे कितना आएगा, 49। ठीक है, तो यहां पे आ गया आपके पास 49। अब आपको क्या चाहिए था कि कितने ग्राम H2SO4 की आवश्यकता थी, WB निकालना है, तो WB बराबर हो जाएगा ये 49 ऊपर जाएगा, 49/10 तो 4/9 ग्राम H2SO4 की आवश्यकता होगी। तो इस तरीके से आप ये न्यूमेरिकल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज की क्लास का फिर रिप्लाई करना कि कैसी थी। ठीक है, मुझे पता लगे कि जो मैं मेहनत कर रहा हूं वो आपके सही रास्ते में आपके काम आ रही है या नहीं आ रही, इसलिए रिप्लाई जरूर किया करें, और लाइक या डिसलाइक जरूर दबाया करें क्लास खत्म होते ही, लाइक या डिसलाइक, आपको नहीं पसंद आ रहा तो डिसलाइक भी लगा सकते हैं आप। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको ये बात भी पता लगी, एक शायद कुछ समस्या है कि बच्चे जो है सभी नहीं देख रहे हैं और पीछे चल रहे हैं, वो कोशिश करो क्लास के बराबर आने की। ठीक है, आप आलस नहीं बरतें, आप ऐसे ना सोचें कि यार आज की वीडियो चलो कोई नहीं कल 2 देख लेंगे, इकट्ठी देख लेंगे, आज नहीं देखते, ऐसा नहीं, डेली की डेली क्लास कंप्लीट करें बच्चों। ठीक है, गुड लक, पढ़ते रहो बच्चों, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर डालो, मेरे को हौसला मिलेगी यार खूब बच्चे देख रहे हैं। ठीक है, ओके बच्चों, ठीक है।